रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच रिश्ते को देखकर लगता है कि अब कपूर खानदान ने भी हरी झंडी दे दी है। कल आलिया, रणबीर कपूर, उनकी मां नीतू कपूर, बहन रिधिमा और भांजी समायरा के साथ मुंबई के बड़े होटल में डिनर करने के लिए पहुंची थी। बिग बॉस फिल्म शिल्पा शिंदे के फैन क्लब ने एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सलमान को राम, शिल्पा को सीता और पुनीश को लक्ष्मण दिखाया गया है। इतने ही फोटो में हिना खान को सूर्पनखा और विकास को रावण के रूप में दिखाया गया है। ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो को शिल्पा के एक फैन पेज ने शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा की क्वांटिको के तीसरे सीजन में भारतीयों को आतंकी के तौर पर दिखाया गया है, जिस पर खूब बवाल मचा हुआ है। हालांकि प्रियंका और उनकी टीम माफी मांग चुकी है। अब इस विवाद में करनी सेना भी कूद पड़ी है और प्रियंका की वो जमकर निंदा कर रहे हैं। राजी की कामयाबी के बाद आलिया भट्ट ने भी अपनी फीस में बढ़ोतरी कर ली है। बताया जा रहा है कि आलिया ने दीपिका की वजह से अपनी फीस बढ़ाई है, क्योंकि पद्मावत की सक्सेस के बाद दीपिका ने भी फीस बढ़ा दी थी। खबर है कि भारत में दिशा पटानी के रोल का खुलासा हो गया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में दिशा एक सर्कस वाले का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म में दिशा सलमान खान की बहन बनी हुई नजर आएंगी। शादी की चर्चाओं के बीच रणवीर सिंह ने अपने और दीपिका के लिए घर खरीद लिया है। ये घर उन्होंने बांद्रा खार इलाके के श्री अपार्टमेंट में खरीदा है। इससे पहले उन्होंने वर्ली में एक 5 BHK अपार्टमेंट देखा था, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आया। जिस बिल्डिंग में रणवीर इस वक्त रह रहे हैं, उसी अपार्टमेंट में उन्होंने ये घर खरीदा है। खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म गोल की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिल्म अपनी तय डेट यानी कि 15 अगस्त को ही रिलीज होगी। फिल्म की डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है। इसी साल की शुरुआत में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार भी किया था और अब इससे पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। इस गैंगस्टर ने पुलिस को जानकारी दी है कि वो सलमान खान के मर्डर की भी प्लानिंग कर रहा था। करीब 32 साल पहले छोटे पर्दे की सीरियल रामायण में सीता का रोल प्ले करने वाली दीपिका 22 साल बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। खबर है कि वो फिल्म गालिब में एक अहम रोल प्ले करेंगी। साथ ही उन्होंने गुजराती फिल्म भी साइन की है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का मानना है कि पॉर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बन चुकी सनी लियोनी को फिल्मी पर्दे पर उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए जिस निगाह से नरगिस श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को देखा जाता है। उनके इस बयान के बाद अब हार्दिक पटेल की जमकर आलोचना हो रही है।